ओम शांति। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने ब्रह्मा बाबा से बहुत पालना ली है। वास्तव में अगर कहूँ तो मेरा जन्म ही बाबा के पास हुआ। मैं केवल 3 दिन की थी और मेरी लौकिक माँ को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ एक फरिश्ता के रूप में। और बाबा ने उनको कहा कि ये बच्ची मुझे दे दो, मैं इनका पिता हूँ। और मेरी लौकिक माँ ने सहर्ष मुझे जैसे बाबा को दे दिया, लेकिन वो तो साक्षात्कार ही था। पर उन्हें बाद में ऐसा लगा कि ये कौन था फरिश्ता जिसने कहा कि मैं इनका पिता हूँ। और फिर उसी दिन मेरे लौकिक पिता का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैंने तो अपने लौकिक पिता को देखा ही नहीं, न उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि वो दिल्ली से आ रहे थे और रोड पर ही एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी कैसा विचित्र अवसर, विचित्र प्रसंग है कि न मैंने उनको देखा न उन्होंने मुझे देखा, लेकिन ज़रूर जन्म दिया। परंतु मेरे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा ही थे और उनको ही मैं कहूँगी कि लौकिक भी वही थे। तो जब मैं 8 साल की थी तब मेरी लौकिक माँ को बाबा का ज्ञान मिला और वो मुझे गीता पाठशाला में ले गई थी। बाबा को देखा तो उसको याद आया कि ये वही है जिन्हों को मैंने साक्षात्कार में देखा, और मुझे मुरली में बिठा दिया। मैं मुरली सुनती रही, केवल 8 साल की थी मात्र। और फिर उसी समय कैसे मुझे वो ज्ञान समझ में आ गया। तो फिर तो मैं स्कूल जाती थी तो सब भूल गई। तो जब मैं 11 साल की थी तब ब्रह्मा बाबा मुंबई में आए थे। ये 1959-60 की बात है। और मेरी लौकिक माँ मुझे बाबा के पास ले गई। एक ब्रह्मा भोजन था, उस ब्रह्मा भोजन में मैं भी शरीक हुई। और बाबा के पास सब बारी बारी जाते थे, बाबा की गोद लेते थे और फिर बाबा उनको दृष्टि देकर वरदान देते थे और एक गिट्टी मुख में डालते थे। तो मेरी लौकिक माँ ने भी ये वरदान पाया। फिर उसके पास में मैं बैठी थी तो मैं संकोच कर रही थी कि मैं जाऊँ या न जाऊँ, क्योंकि मैं तो मात्र 10-11 साल की थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। हालांकि मैं बाबा को जानती नहीं थी, कभी पहले देखा नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मेरे पिता मुझे बुला रहे ये महसूस हुआ और मैं दौड़ के गई और जैसे बाबा को पकड़ लिया, इतना जोर से जो बाबा को ही हिला दिया, क्योंकि बाबा में एक चुंबकीय शक्ति थी। वो चुंबक ने जैसे मुझे खींच लिया अपने तरफ और बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दिया, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। तो बच्चों को भी इतना प्यार करते थे बाबा। तो मैंने महसूस किया कि मैंने बाबा की गोद में एक ईश्वरीय जन्म लिया, केवल 11 साल की उम्र में ही। पर फिर तो पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही कहाँ था। मेरे अंदर में आध्यात्मिक संस्कार तो थे ही, लौकिक माँ के भी वो संस्कार थे और बचपन में ही वो मुझे सत्संगों में ले जाया करती थी, और बाबा मिला तो सब कुछ मिला। फिर मैं स्कूल पढ़ती थी और बाबा मुंबई में रहे, 3 महीना बाबा मुंबई में रहते थे लगभग, और एक फ्लैट लेते थे जिसमें बाबा मुरली चलाते थे सुबह। तो ये भी सौभाग्य की बात है कि मेरा स्कूल बाबा जहाँ रहते थे उसके बहुत पास में था। तो मैं रोज़ सवेरे
पहले बाबा की मुरली सुनती थी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में और फिर स्कूल जाती थी। तो बाबा हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत। बाबा कहते थे तुम तो बहुत होशियार हो, तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हो, क्योंकि उस समय यह बड़ी बात थी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये 1960s की बात होगी। और फिर मैं मधुबन में गई 1961 में। जब मधुबन में गई तब तक तो ये ज्ञान तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ ही गया था। मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया, बाबा के आगे एक कविता सुनाई इंग्लिश में की बनाई थी। और वो जैसे बाबा के सामने मैंने कविता सुनाई, भाषण किया, बाबा को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो। तो बाबा कहे, बाबा की इच्छा है कि तुम और होशियार हो जाओ और बाबा तुमको विदेश भेजेंगे। तो देखो बाबा को विदेश उसी समय से याद था। तो मधुबन में भी बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया। बाबा के साथ हम खेलते भी थे, बैडमिंटन खेलते थे, कभी क्रिकेट भी खेलते थे। तो हमेशा बाबा ही जीतते थे क्योंकि बाबा तो इतने ऊंचे लंबे चौड़े और हम तो छोटे बच्चे थे उस समय। लेकिन बाबा सब बच्चों को खुश करते थे, सब बच्चों को इतना प्यार देते थे। बाबा आयु नहीं देखते थे, ये छोटा बच्चा इनके साथ क्या खेलूँगा, ये तो बुज़ुर्ग इनके साथ क्या खेलूँगा। बाबा सबके साथ खेलते थे, कैसी समदृष्टि थी बाबा की। तो मैं करीब 8 दिन मधुबन में रही, लेकिन मेरी लौकिक माँ भी थी साथ में। और बाबा के साथ हम एक दिन झूले पर झूल रहे थे तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी, कहा बच्ची तुम किसके साथ झूले पर झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा के साथ। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि नहीं और बताओ, बाबा ने इतने कहा अच्छा बाबा के साथ झूले में झूल रही और कौन है झूले पर? तो मैंने कहा मेरी लौकिक मम्मी है, माता जी थी मेरी। तो बाबा ने कहा और कौन है? तो मैंने कहा बाबा और तो कोई नहीं है। बाबा ने कहा सोचो सोचो और कौन है बाबा के आपके साथ झूले पर? तो मैंने कहा बाबा और तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत ही भोलेपन से कह रही थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, जब तुम बाबा के साथ झूले पर झूलो तब उस समय ये सोचना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले पर बैठी हूँ। तो मैं तो सोच में पड़ गई 3 हस्तियाँ कौन सी? बाबा ने कहा देखो एक है शिव बाबा जो इस तन में विराजमान है, तो सर्वोच्च परमात्मा परम पिता उनके साथ मैं झूले पर बैठी हूँ और झूल रही हूँ। दूसरा सारी प्रजा का पिता, प्रजा पिता ब्रह्मा, उनके साथ झूले पर बैठी हूँ और झूल रही हूँ। फिर तीसरा यही आत्मा सो श्री कृष्ण होगी, तो इसीलिए होवनहार श्री कृष्ण के साथ मैं झूले पर झूल रही हूँ। तो शिव बाबा परम पिता, प्रजापिता और सृष्टि का पहला पत्ता श्री कृष्ण, नई दुनिया का प्रथम राजकुमार, मैं उनके साथ झूले पर बैठी हूँ और झूल रही हूँ, ये सदा नशा रखो बाबा ने मुझे कहा। बस उस दिन से मुझे बहुत नशा चढ़ गया। जब भी मैं कहीं झूला मिलता है और मैं झूले पर बैठती हूँ, वो दृश्य मेरे सामने आ जाता है, ब्रह्मा बाबा के साथ मैं बैठी हूँ और बाबा मुझे नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम किसके साथ झूल रही हो। तो इसीलिए ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव था बाबा के साथ का। और नित्य मुरली सुनना, सब नियमों का पालन करना, हमने वो बचपन से ही किया बाबा के संग मधुबन में आकर के। जब वापस जाने का समय आया तो मैं वापस मुंबई में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुंबई से ज्ञान लिया तो मुंबई में नहीं जाना चाहती थी वापस। मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे नहीं जाना है मुंबई। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बच्ची आपको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी इंग्लिश में स्कूल है मुंबई में, आप अच्छी पढ़ाई कर लो, इंग्लिश में होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो देखो बाबा
कैसे बच्चों को प्रेरणा देते थे, इतना ऊंच उठाते थे। तो बाबा तो हर साल मुंबई आते थे और मैं नियमित रूप से बाबा की मुरली सुनने जाती थी, तो सेंटर पर भी जाती थी। सब दादियाँ भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में जाती थी, फिर स्कूल जाती थी। तो बचपन से ही ये ज्ञान मिलने के कारण संस्कार भी इतने ही श्रेष्ठ थे। कभी बाहर का खाना, फिल्में देखना, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं था मेरे संस्कारों में, और न ही कोई और दुनिया का आकर्षण था। बस पढ़ाई करना, बाबा का ज्ञान लेना, मुरली पर पूरा अटेंशन देती थी, क्लास पर पूरा अटेंशन देती थी, और जो बाबा की श्रीमत मिलती थी उसका पूरा पालन करती थी। तो पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, और बाबा ये भी कहते थे, बच्चे तुम्हें दोनों पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई में भी होशियार होना है और इस पढ़ाई में भी होशियार होना है। तो मेरे अंदर तो यही लगन थी कि मैं बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो जब मैं इंटर साइंस में थी तब ये डिसाइड करना था कि मैं कौन सी लाइन लूँ, मेडिकल लाइन लूँ, इंजीनियरिंग लाइन लूँ। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मेरे लौकिक घर वाले कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, बाबा मैं क्या करूं, मुझे तो बाबा की सेवा करने की इच्छा है। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, ये 1967 की बात है, बाबा ने मुझे पत्र लिखा। तब मैं करीब 17-18 साल की थी। बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची तुम तो बाबा की तुम्हारे में बहुत उम्मीदें हैं, बाबा चाहेंगे कि तुम रूहानी डॉक्टर बन करके बाबा की सेवा करो और विश्व सेवा करो। तो रूहानी डॉक्टर बन के सेवा करो, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने मेडिकल लाइन लेना छोड़ दिया, परंतु ग्रेजुएशन ज़रूर किया। 67 के बाद 68-69 ग्रेजुएशन करके बीएससी ऑनर्स में पास हुई। और जब जनवरी का महीना आया 69 का, बाबा अव्यक्त हो गए। मैं कॉलेज ही पढ़ रही थी, मेरा लास्ट टर्म था, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक थे, और समाचार मिला कि बाबा अव्यक्त हो गए। तो जैसे ही ये समाचार मिला बाबा अव्यक्त हो गए, मेरी तो टांगे कांपने लगी कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा चले गए। तो पहला मन में संकल्प आया बाबा चले गए, फिर दूसरा संकल्प आया बाबा मैंने आपकी आश तो पूरी की नहीं, आप चले गए। आप कैसे चले गए, मैं आपकी आश कब पूरी करूँगी? और ऐसे लगा जैसे कि अभी विनाश होगा, भयंकर आंधी तूफान और भूकंप आदि आएंगे और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा चले गए माना सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही ये मैं सोच ही रही थी अंदर में कि अब ये संसार ख़त्म होना है, उसी समय मुझे बाबा का साक्षात्कार हुआ। अव्यक्त ब्रह्मा एक फरिश्ता के रूप में मेरे सामने आई और मुझे कहा, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं यही सोच रही थी बाबा चले गए, बाबा चले गए। तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे, बस केवल वस्त्र और कमरा बदली किया। ये बाबा ने जैसे मुझे इशारे से कहा। तो मैंने कहा बाबा अब मैंने आपकी आश पूरी नहीं की। बाबा ने कहा नहीं बच्ची आप करोगी, और जैसे सिर पर हाथ रख कर के कहा बच्ची आप बाबा की सब आशाएं पूरी करोगी। और बस ये साक्षात्कार मुझे उसी समय हुआ, और एक दिल को आथत मिली कि बाबा ने मेरी अर्जी सुन ली है, बाबा ने मुझे पहचान लिया है, और बाबा के सिवाय तो मुझे और कोई है ही नहीं। तो बस बीएससी पूरी करके मैं मधुबन में आई, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि अब ट्रेनिंग रखो, यहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग, कुमारों की, युगलों की ट्रेनिंग, भट्टी टीचर्स की, ये सब अभी मधुबन में रखो। तो कुमारियों की जो पहली ट्रेनिंग हुई मई जून में,
उस ट्रेनिंग में मैं शामिल हुई। आशा बहन वारसी की वो भी इसी ट्रेनिंग में थी। हम सब एक ट्रेनिंग में आए, इसी ट्रेनिंग में आए, और सब वही कुमारियाँ थी जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया था। तो मैंने भी बीएससी किया और मैं भी उस ट्रेनिंग में आई, और वहाँ से इतनी लगन लग गई, मैंने कहा अभी मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है, जो बाबा की आशा है मुझे पूरी करनी है, बाबा की सेवा में लग जाना है। तो बंधन सब काटे और कैसे मैं बाबा की सेवा में लग गई 69 से ही। पहले राजकोट गई, फिर दादी जी ने मुझे बेंगलोर भेजा, काठमांडू भेजा, हैदराबाद भेजा। ये 3-4 साल एक एक स्थान पर दादी जी ने मुझे भेजा। और 1973 में मैं जब मधुबन में आई तो उस समय हांगकांग का निमंत्रण था, विदेशों में सेवा केंद्र खुल रहे थे। तो दादी जी ने मुझे मुंबई भेजा कि आप जाकर पासपोर्ट बनवाओ, बाबा आपको विदेश भेजेंगे। तो पासपोर्ट बनाने के लिए गई, और 1974 में अफ्रीका का निमंत्रण मिला। एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति आए मुंबई में और उनको ये ज्ञान बहुत पसंद आया, और उसने कहा कि मैं आप लोगों को अफ्रीका में बुलाऊंगा, और दादी जी ने मुझे अफ्रीका भेजा, और वहाँ से सेवाएं शुरू की विदेशों में। तो अफ्रीका में बहुत सेवाएं हुई, फिर मॉरिशियस में हम गए और मॉरिशियस में भी एक साल रहे, और 76 से दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। तो विदेश में सेवा करने के कारण विदेश की सेवाओं का भी अनुभव था, हर प्रकार से मुझे अनुभव हुआ, और महसूस हुआ कि अभी बाबा की बेहद सेवा में हमें लग जाना चाहिए। तो फिर तो दादी ने मुझे मधुबन में रखा, कुछ साल तक तो मधुबन में रहे, लेकिन एक संकल्प आया कि अभी कहीं बाहर भी तो जाना चाहिए। तो उसी समय मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा से जब मुलाकात हुई, तो अव्यक्त बाप दादा ने मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा आप कौन सी गंगा हो, अव्यक्त बाप दादा ने मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो। मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो सब है, अनेक है ज्ञान गंगाएं आप जैसी, पर आप विशेष कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, आप कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा कि मैं तो समझ नहीं सकी तीसरी कौन सी गंगा है। तब बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, हर की पौड़ी की गंगा के पास सारी दुनिया आती है, तो तुम्हारे पास भी सारी दुनिया यहाँ मधुबन में आएगी और आप में स्नान करेगी। तो यही बाबा का मुझे उस समय वरदान मिला। तो मैं मधुबन में सेवा करती रही, विदेशों में भी हर साल जाती रही, और फिर जब नई कोई सेवा शुरू होनी थी तो बाबा का फिर वरदान हमें मिला। तो एक बार बाबा ने मुझे वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़िबान पर है, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो मेरे मन में संकल्प चला कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती मेरी ज़िबान पर है, ये कैसा भगवान ने ऊंचा वरदान दिया। तो इस मुख से तो कभी अज्ञान के शब्द निकलने ही नहीं चाहिए, कभी क्रोध के या कभी और अशुद्ध बातें तो इस मुख से कभी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती हमारी ज़िबान पर बैठी है, सदा ज्ञान की वीणा बजानी चाहिए। तब उसके बाद हमने अनुभव किया कि बाबा ने जो वरदान दिया वो कैसे सार्थक हुआ, क्योंकि टेलीविज़न के निमंत्रण मिले और जी टीवी में सबसे पहला निमंत्रण मिला, जहाँ हमने वैल्यूज़ पर बहुत सारे लेक्चर्स दिए। उसके पहले टीवी पर कोई प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारियों के नहीं आते थे, तो टीवी पर हमारे प्रोग्राम आए और बाबा की सेवा इसके द्वारा हुई। तो धीरे धीरे बाबा ने मधुबन में भी सेवा कराई,
विदेशों में भी सेवा कराई, क्योंकि बाबा ने ये वरदान तो दिया ही था कि तुम विश्व की सेवा करोगी। तो बाबा ने कई विदेशों में मुझे भेजा, करीब 75 देशों में मैं कई बार गई, क्योंकि फिर विदेशी भाई बहनें यहाँ आते रहे और यहाँ पर उनकी क्लासेस, उनका ट्रांसलेशंस करती रही। तो मैं तो यही महसूस कर रही हूँ कि साकार बाबा की पालना मिली, अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली। सारी सारी रात हम बाबा के साथ जागते थे, अव्यक्त मिलन जब बाबा सब बच्चों से मनाते थे, क्योंकि विदेशी बहुत आते थे तो विदेशी भाई बहनों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना ये भी बहुत ही विशेष पाठ रहा हमारा। तो यही बाबा ने सुंदर पाठ मधुबन में रहने का दिया है, जहाँ देश विदेश के भाई बहनें आते हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। राजयोग शिविर भी कराते हैं, वो भी एक बाबा का सुखद अनुभव दिलाता है, और अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझ रही हूँ कि हमें बाबा की, सब दादियों की इतनी हमें पालना मिली, जो सदा उड़ती रहती हूँ बाबा के संग, अनुभव करती रहती हूँ कि जैसे हमें बाबा ही चला रहे हैं, हम लोग तो केवल निमित्त ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।